पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, यूपी लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीएसपी प्रत्याशी ने नामांकन किया। बीएसपी नेता रामजी गौतम ने नामांकन किया है। राज्यसभा के लिए रामजी गौतम ने पर्चा भर दिया है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट लखनऊ से आपको बता रहे हैं। बीएसपी प्रत्याशी ने उपचुनाव के लिए नामांकन किया। बीएसपी नेता रामजी गौतम ने नामांकन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अवनीश हमारे सहयोगी फोन लाइन। बीएसपी प्रत्याशी रामजी गौतम ने नामांकन किया है, पर्चा भर दिया है, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तरफ से रामजी गौतम को प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा में आज नामांकन भी किया गया है। 11 बजे ये नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। उसमें सतीश चंद्र मिश्रा, लालजी वर्मा समेत बसपा के तमाम विधायक भी मौजूद रहे, तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो आंकड़े होते हैं कि एक राज्यसभा भेजने के लिए कम से कम 36 वोटों का होना जरूरी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास मात्र 19 विधायक है। तो उसी को लेकर तमाम जो रणनीति है ये बनाई जा रही है कि क्रॉस वोटिंग के जरिए रामजी गौतम को राज्यसभा भेजा जा सकता है। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तरफ से रणनीतियां भी बनानी शुरू कर दी हैं। फिलहाल उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तरफ से नाम दिया है वो रामजी गौतम है। उन्होंने विधानसभा में नामांकन भी किया है। अब नामांकन के बाद रणनीति तैयार होगी कि कैसे उनको उत्तम मत पूरे किए जाए और उनको राज्यसभा भेजा जाए। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।